बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को लेकर लगातार सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। आईएएस एसोसिएशन की तरफ से भी आनंद मोहन के रिहाई पर राज्य सरकार से सवाल जो है वो पूछे गए हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर आईएएस एसोसिएशन जो है वो आखिर इस रिहाई का विरोध जो है वो क्यों कर रहा है। आपको बता दें, गोपालगंज के तत्कालीन डीएम और 1985 बैच के आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पर पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का विरोध जो है वो किया जा रहा है। आईएएस एसोसिएशन ने बीते मंगलवार को एक पत्र जारी कर कहा कि जी कृष्णैया के निरशंस हत्या थी और बिहार सरकार ने उनकी हत्या के आरोपित को रिहा करने के लिए प्रावधान बदल दिया। बिहार सरकार को इस फैसले का एसोसिएशन कड़े शब्दों में विरोध करता है। एसोसिएशन की ओर से जारी पत्र में राज्य सरकार से आनंद मोहन को रिहा करने के फैसले पर पुनः विचार करने को कहा गया है। एसोसिएशन ने कहा कि लोक सेवक की हत्या के आरोपी में दोषी को कम जघन्य श्रेणी में तब्दील नहीं किया जा सकता। यह संशोधन एक लोक सेवक के हत्यारे की रिहाई की ओर ले जाता है। यह न्याय से वंचित करने के समान है। इस तरह के फैसलों से लोक सेवकों के मनोबल में गिरावट आती है, लोक व्यवस्था को कमजोर किया जाता है और न्याय के प्रशासन का मजाक उड़ाया जाता है। इधर पेरोल की अवधि खत्म हो जाने की वजह से आनंद मोहन मंगलवार को दोपहर बाद सहरसा के लिए रवाना हो गए हैं। वह बुधवार को सहरसा जेल में उपस्थित होंगे, जहां आनंद मोहन को 1 से 2 दिनों में राज्य सरकार के आदेश के बाद अस्थायी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद 27 अप्रैल को वो पटना लौटेंगे। विधि विभाग की अधिसूचना के मुताबिक 75 वर्षीय आनंद मोहन 3 अक्टूबर 2007 से जेल में बंद है। सभी रिहा किए जाने वाले सभी कैदियों की सजा की अवधि 14 साल से अधिक हो चुकी है। दरअसल आनंद मोहन के स्थायी रिहाई के लिए नीतीश कैबिनेट ने 10 अप्रैल को बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481(1) में संशोधन करते हुए उसका वाक्यांश को हटाने का निर्णय लिया था। इसके तहत सरकारी सेवक की हत्या को अपवाद के तौर पर पहले शामिल किया गया था। इसके बाद 24 अप्रैल को राज्य दंडादेश परिहार परिपरिषद की बैठक में 14 वर्षों की वास्तविक अवधि जेल में गुजारने वाले आजीवन कारावास प्राप्त बंदियों मुक्त किए जाने की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा ऐसे बंदियों को मुक्त करने का निर्णय लिया गया। तो अब जिस तरीके से आईएएस एसोसिएशन ने सरकार से कहा है कि इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, तो क्या आईएएस के मनोबल को बढ़ाने के लिए सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी या फिर आनंद मोहन की रिहाई जो है वो हो जाएगी? और होने के बाद से जिस तरीके से आनंद मोहन ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि वो राजनीति में भी सक्रिय हो जाएंगे, तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की रिहाई करवाई है। दरअसल यह आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है।